खबर जावरा से है, जहां तहसील के रिंगनोद में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मंडला के 8 साल के मासूम अरिहंत पिता बलवंत सिंह गुर्जर की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे की है। बच्चे की मौत की जानकारी मिलने के बाद झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर भाग गया। रात में ही पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू कर दी। वहीं शनिवार की सुबह झोला छाप को रिंगनोद पुलिस ने धर दबोचा है। शनिवार के दिन अमृत को बंगाली के घर के सामने जमीन पर रखकर ग्रामीण और परिजनों के द्वारा बंगाली के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर अड़े रहे। एसडीओपी रविंद्र बिलावल, टीआई तहसीलदार समझाइश देते रहे, मगर ग्रामीण काफी देर तक नहीं माने। वहीं तहसीलदार के द्वारा बंगाली पर कड़ी कार्रवाई 24 घंटे में करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर परिजन माने। उधर परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि अगर 24 घंटों में बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस पुनः धरने के लिए तैयार रहेगी। सबसे पहले तो ये जो डॉक्टर है बंगाली, चंद पैसों के चक्कर में इसने कई निर्दोष और गरीब मजदूर लोगों की हत्या का मतलब मामला कर दिया इसने। पहले भी आसपास के क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, ये 6वां मामला है। 8 साल का बच्चा था, घर से हंसता खेलता हुआ आया था सिर्फ फांसी का इलाज करवाने। जैसे इसने यहाँ इंजेक्शन दिया और 10 मिनट बाद बच्चे की मौत हो गई। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि इसके मकान पर जल्द से जल्द बुलडोजर चले। इसकी जितनी भी अवैध तरीके से पैसा कमा रखा है, संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, सारी कुर्क करें और ये कार्रवाई हम प्रशासन से तत्काल मांगते हैं, वरना फिर आसपास के सभी क्षेत्र के लोग, सभी जनता और हम जनप्रतिनिधि इनके साथ रहकर यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे। श्याम गुजर। अभी रिंगनोद ग्राम में एक बंगाली डॉक्टर के द्वारा कल रात में बच्चे की सर्दी खांसी का इलाज करने के दौरान इंजेक्शन लगाया गया, जिसमें दवा के रिएक्शन के कारण और ओवरडोज के कारण बच्चे की कल रात में मृत्यु हुई है। बच्चे की उम्र लगभग 8 साल थी। परिजन ये चाहते हैं कि डॉक्टर के ऊपर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए, साथ ही जो परिवार है उसको आर्थिक सहायता दी जाए और जो डॉक्टर है उसकी जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति है, उसको ध्वस्त किया जाए। तो क्या ध्वस्त करने की कोई कार्रवाई योजना है प्रशासन जी? चूंकि उनकी एक मुख्य मांग यही है कि उसकी संपत्ति को ध्वस्त किया जाए, तो उसके संबंध में जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है उसके हिसाब से वो की जाएगी। क्या डॉक्टर अरेस्ट हो चुका है सर? जी, डॉक्टर अरेस्ट हो चुका है और उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है। ठीक सर, ओके, थैंक यू। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।